नमस्कार दोस्तों, बिहारी आईटी इंजीनियर्स को बिहार में जॉब करने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में पटना में एक आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस का कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें कि देश और दुनिया के बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे। इस कॉन्क्लेव में सीएम नीतीश कुमार और आईटी मिनिस्टर रविशंकर के द्वारा आईटी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने वाले बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए। जैसा कि कोई भी आईटी इंडस्ट्री जो कि मिनिमम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने यहाँ पर 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उन्हें अगले 5 साल तक के लिए स्टेट जीएसटी में 100% की छूट मिलेंगी और इनके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। आईटी मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया कि बिहार में एक सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगने वाला है। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि पटना में आईटी टावर तो बनने ही वाला है, बिहटा में 25 एकड़ में आईटी पार्क बन रहा है और राजगीर में 100 एकड़ में आईटी सिटी भी बन रहा है। मुजफ्फरपुर में 135 सीट का बीपीयू खुलने ही वाला है और फारबिसगंज, हाजीपुर और गया के लिए भी टेंडर हो चुका है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है बिहार में इनक्यूबेशन सेंटर को खोलने के लिए। इसके अलावा आईटी मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बिहार में साइबर क्राइम को रोकने के लिए नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलने वाला है। तो दोस्तों, हम यही आशा करते हैं कि बिहार में बहुत जल्दी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। थैंक यू, बाय बाय।